उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के बढ़ते मामले तथा ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी का प्रदर्शन। प्रदेश में बढ़ती दलित उत्पीड़न मामले तथा ध्वस्त कानून व्यवस्था के संबंध में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जाबिर हुसैन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति किस कदर बिगड़ चुकी है, ये प्रदेश की जनता से अवगत कराने की जरूरत नहीं है। आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में समाचार पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था की असलियत और उनके शासन की निरंकुश पुलिस के कारनामों से भरे पड़े हैं। इस महान प्रदेश को अब अपराध प्रदेश के नाम से बुलाया जा रहा है। NCRB के डाटा के मुताबिक दलित के प्रति महिलाओं के प्रति अपराधों में UP पहले स्थान पर आता है। ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जाटों में हो रही प्रगति से जनता को अवगत कराया जाए। आज हम इन मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं जो कानून व्यवस्था प्रदेश की बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है, और हमारे संजय भैया लगातार उत्तर प्रदेश में उनकी मांगों को लेकर उठा रहे हैं। संजय भैया के खिलाफ कानून की बात कर रहे हैं तो उल्टी FIR कराते हैं योगी जी। दलितों का अभी इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है, और अगर उनकी दलितों की ब्राह्मणों की बात करता उसके खिलाफ FIR कराई जाती है। योगी मोदी जी की सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सारे के सारे पुलिस राज है और पुलिस भी खुद भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस को भी मारा जा रहा है गुंडों के राज में। तो हम ये मांग करते हैं कि इनकी जो एक दलित लड़की का उसे माना गया, उसके भाई को मोहित के खिलाफ जो उसके जो मारने वाले हैं उनको FIR कराई जाए, पार्टी में कोर्ट मुकदमे चलाया जाए। क्या मांगे आपकी? उनसे 50 लाख का उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए, मोहित के घर वालों को, और उनके जो मुलजिमान हैं जैसे SP हैं उन्हें SP को तत्काल निलंबित किया जाए वहाँ के, और जो भी उस थाने में हैं सारे के सारे को सस्पेंड किया जाए थाने के कर्मचारियों को। सर आपकी